हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से सप्लायर जो फोटो में दिखाते हैं वो भेजते नहीं है और उसके सारे रीजंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन क्या है, बायर जो है वो किस तरह से अपने आप को इस चीज से बचा सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी सप्लायर के पास से इमेजेस मांगे, आप उनको यही बोले कि जो आपके पास अवेलेबल है वो ही फोटो सेंड करिए। इससे ये हो जाएगा कि अगर 100-200 पीसेस वो भेज रहा है इमेजेस के, तो उनको आइडिया आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, उसी की फोटोज भेजता है। दोस्तों, इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ प्रोडक्शन में होती है, उसके इमेजेस पहले आ जाते हैं, तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि जो चीज़ आने वाली है, हो सकता है वो एक वीक बाद आने वाली हो सकता है 10 दिन बाद आने वाली हो, तो इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन जो है वो आप सप्लायर से पहले ही मांग ले, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये चीज़ 10 दिन बाद आने वाली है। उसके बाद अगर आप जब उनको ऑर्डर देते हैं, आपने इमेजेस या स्क्रीनशॉट भेज दिए, उन्होंने आपको एस्टिमेट बना के भी भेज दिया, उसके बाद एक बार फिर से आप उनको कंफर्म करिए कि ये जो ऑर्डर आपने दिया हुआ है वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको अश्योर करवाइए कि वो कब तक आने वाले हैं। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि कोई कस्टमर्स क्या होते हैं कि वो जैसे ही ऑर्डर देते हैं या पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो उनकी LR कॉपी मांगते हैं। दोस्तों, जब भी आप ऑर्डर दे तो उसके लिए 1 या 2 दिन का टाइम लगता है। आप जितना जल्दी उनसे बिल्टी मांगेंगे या LR कॉपी मांगेंगे, तो वो आपको LR कॉपी तो दे देगा, बट वो पार्सल आपका नहीं भेजेगा। तो आप LR कॉपी के लिए भी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करिए, उनको एक बार 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिएगा। इसके लिए भी आप एक और चीज कर सकते हो, आप कभी भी उनको फुल पेमेंट मत करिए। देखो, इससे क्या होता है कि अगर आपने 25,000 का ऑर्डर दिया है फॉर एग्जांपल, और आपने 25,000 रुपये फुल पेमेंट कर दिया है, तो आपको भी टेंशन रहती है। 25,000 की जगह आप उनको सिर्फ 500 या 1,000 या 2,000 रुपीज़, जो भी सप्लायर एक्सेप्ट करे, सिर्फ आप उनको उतना ही दीजिए। बाकी का आप उनको बोलिए कि जब आपका पार्सल पैक होता है, उस वक्त आपको वो पूरा आपका पार्सल वीडियो कॉल करके दिखा दे, ताकि आप रेस्ट अश्योर हो जाओ कि जो आपने ऑर्डर किया है, जो इमेजेस में बताया है, वही चीज़ें आपको मिलने वाली है। इससे भी ये हो जाएगा कि आपके पेमेंट भी सेफ रहेगा, और जो सप्लायर है वो आपको 100% वही प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है जो उसने इमेजेस में शो किए हुए हैं। अगर उनके पास में वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो वीडियो कॉल करते वक्त आपको वो प्रोडक्ट बताएगा ही नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपके उनके पास है ही नहीं। कभी कभार ये भी हो जाता है कि पैकिंग वालों की मिस्टेक की वजह से भी पार्सल में जो है वो फोटो से अलग कोई प्रोडक्ट आती है, तो जब आपका पार्सल डिस्पैच होने वाला होता है, तब आप जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हो, उसको आप एक बार क्लियरली बोल दो कि आपका पार्सल जो है वो डिस्पैच होने से पहले एक बार बता दे, तो वो जब आपको इमेजेस बताते हैं या वीडियो कॉल करके बताते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है वो आपकी फ़ोटो से अलग है, तो आप वहीं पे वो पैकिंग वाले को भी बात करके आपका प्रोडक्ट चेंज कर सकता है। तो जो लास्ट वीडियो में रीजंस बताए थे, उसमें सप्लायर का सबसे ज़्यादा डर है होता है कि आप कहीं ऑर्डर कैंसिल ना कर दें। इसमें भी आप एक चीज़ ये कर सकते हो, उनको अश्योर कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई 30 डिज़ाइन अगर आपने मंगवाए, उसमें से 5 डिज़ाइन नहीं है, तो उसमें कोई दूसरी डिज़ाइन डाल दे जो अवेलेबल है, उसकी भी इमेजेस आपको एक बार भेज दे। इससे ये हो जाएगा कि सप्लायर जो उनके पास जो अवेलेबल होता है उसकी फ़ोटो फिर से आपको भेज सकता है, जो चीज़ नहीं है वो कुछ भी नहीं डाल सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उससे काफ़ी हद तक बच सकते हो कि आपने फ़ोटो में कुछ और दिखाया मांगा था और आया आपके घर पे कुछ और है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो, तो ज़्यादातर चांसेस है कि सप्लायर जो है वो आपको कुछ भी चीज़ नहीं भेजेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन एज अ सप्लायर 100% ट्राई करेंगे देने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।